Gider magar. वेलकम टू आवर चैनल. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. अभी आपने जिस मूवी का टीजर देखा, ये एक कोरियन मूवी जिसका नाम एलियनॉइड है, जिसको एक कोरियन राइटर डोंग हुन चाई ने लिखा और डायरेक्टेड किया है. कोरियन फिल्म का आगाज 14वीं सदी में एक अजनबी मखलूक से होता है जो इंसानी जिस्म से फरार होने की कोशिश करती है. इसके अंदर इसे ही कैद किया जाता है. फिल्म के डायरेक्टर ने हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जैसे ट्रांसफार्मर, आयरन मैन के किरदारों को इस फिल्म में इकट्ठा किया ताकि एलियन आइट को घड़ सके. इसी तरह एलियन आइट भी ट्रांसफार्मर और आयरन मैन जैसी एक्शन फिल्मों से भरपूर होने वाली है. इस मूवी की कहानी एक जेल के गार्ड के गिर्द घूमती है, जिसको ये मालूम होता है कि कुछ अजनबी कैदियों को इंसानों के जिस्म के अंदर ही रखा गया है और वो बहुत सी शख्सियतों को अपनाता है, जिनमें से एक बच्चे अयान को यकीनी मौत से बचाता है और इसे मौजूद टाइम लाइन में वापस लाता है. और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो अयान के रोबोट्स और एलियन की यादें वापस आना शुरू हो जाती हैं और वो अपने ही वालद के काम के बारे में पूछती है. तब आप एक क्रिस्टल चीज़ पर काम करता है जिसे डिवाइन ब्लेड कहा जाता है. इस फिल्म में डायरेक्टर ने ज़्यादातर ऐसे मनाजर को इकट्ठा किया है जो तकरीबन खुद साखता है. इस मूवी की कहानी अयान नामी लड़की और वो जेल के गार्ड के गिर्द की है. ये मूवी फुल एक्शन और फिक्शन वाली है. बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें.